रविवार से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई है। इस मौके पर गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मठ के पहले तल पर स्थित शक्तिपीठ में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में कलश की स्थापना की है और मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की है। वहीं कलश स्थापना के पूर्व गोरखनाथ मंदिर परिसर में परंपरागत भव्य कलश शोभा यात्रा श्रद्धाभाव से निकाली गई। शाम करीब 5 बजे मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ के नेतृत्व में साधु संतों की शोभा यात्रा माँ दुर्गा के जयघोष के बीच पौराणिक मान्यता वाले भीम सरोवर पर पहुंची, जहां कलश भरने और सरोवर की परिक्रमा के बाद में शोभा यात्रा वापस शक्तिपीठ पहुंची। मठ के भूतल पर जल भरा कलश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं उठाया। शक्तिपीठ के गृह में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में वरुण देवता का आह्वान कर कलश स्थापित किया।